हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे मेजर लीग सोकर लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा वैंकूवर और लॉस एंजेलिस के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। वैसे आप वीडियो को कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, वैंकूवर मेजर लीग सॉकर में फिलहाल के टाइम पर 11th पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें लॉस एंजेलिस इस लीग में फिलहाल के टाइम पर 1st पोजीशन पर है। तो गाइस, इन दोनों टीमों की जो पोजीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए लॉस एंजेलिस को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस लीग की फिलहाल के टाइम पर टॉप बेस्ट टीम है अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन गाइस, हम बात भी करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती है तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 5 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं, जिनमें से वैंकूवर इस टीम के सामने 2 मैच विन कर चुकी है और 2 मैच ड्रॉ भी खेले, सिर्फ एक ही मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 1.6 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी 1.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी वैंकूवर इस टीम के सामने मैच खेलती है अधिकतर तो या तो मैच को विन करती है या मैच को ड्रॉ खेलती है, लेकिन जल्दी से मैच को लॉस नहीं करती। अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल स्कोर करती है, लेकिन डिफेंस से भी कहने के इस टीम के सामने पर मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमें काफी ज्यादा एक दूसरे के सामने गोल भी करती हैं और डिफेंस से गोल कंसीड भी कर देती हैं। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को लॉस एंजेलिस अपने होम में इस टीम के सामने 3-1 से विन कर गई। अटैकिंग वाइज लॉस ने इस टीम के सामने 3 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। और उससे मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को इन दोनों टीमों ने अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। दोनों टीमों ने 1-1 गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी 1-1 गोल कंसीड किया। और उससे मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को 1-2-1 से विन कर गई। और एक मैच फिर इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को इन दोनों टीमों ने फिर से अटैकिंग वाइज ड्रॉ खेला। और उससे मुकाबला फिर इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया मैच और उस मैच को भी वैंकूवर विन कर गई। तो गाइस, वैंकूवर जब भी इस टीम के सामने मैच खेलती है अधिकतर मैच इसमें या तो विन करे ही या मैच को ड्रॉ करे, लेकिन जल्दी से लॉस नहीं करती और प्रत्येक मैच में गोल स्कोर भी करती है और डिफेंस से भी कहीं ना कहीं गोल कंसीड कर देती है। तो यहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती है कि दोनों टीमें आपस में खेलती है तो 100% चांस रहते हैं कि दोनों टीमें बोथ टीम टू स्कोर हो जाए मैच, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, हेड टू हेड के अकॉर्डिंग तो दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ से वैंकूवर ने 6 मैच खेले जिनमें से 4 विन 1 ड्रॉ 1 लॉस। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी ये टीम पर मैच में 2 गोल भी कर देती है, लेकिन डिफेंस ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती। एक बेहतर टीम के सामने ही गोल कंसीड करती, वरना हल्की टीम के सामने गोल तक कंसीड नहीं करती। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली वैंकूवर का देखा जाए तो अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी अच्छा है, और मैच को विन भी कर लेती है और ड्रॉ भी खेलती है, लेकिन सिर्फ एक ही लॉस किया। अब बात करें जो पिछला मैच वैंकूवर न्यू इंग्लैंड सामने डिफेंसिव ड्रॉ खेल कर आ रही है, और उससे मुकाबला यॉर्क के सामने टीम 2-1 से विन की है, और एक मैच इस टीम ने डल्लास के सामने 2-0 से मैच को विन किया है, और एक मैच सीटल साउंडर्स के सामने टीम 4-0 से लॉस की है, और उससे मुकाबला रियल साल्ट लागा के सामने 2-1 से विन, और एक मैच इस टीम ने कांसा सिटी के सामने 1-0 से विन किया है। तो आप यहां से देख सकते हो, 3 मैच तो इस टीम ने विद क्लीन शीट के साथ परफॉर्मेंस किया है, और 3 मैच ऐसे इस टीम ने 2 मैच ऐसे विन किए जिनमें 1 गोल स्कोर भी कंसीड किया है, और एक मैच इस टीम ने वन साइडेड लॉस किया। अगर इस टीम का अधिकतर मैचेस पर ध्यान दिया जाए तो अटैक भी अच्छा है और डिफेंस भी कहने के बेहतर देखने को मिलता है। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है लॉस एंजेलिस का जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, लॉस एंजेलिस ने भी करंटली 6 मैच खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने भी 4 मैच विन करे, 1 ड्रॉ खेला और 1 मैच लॉस किया। अटैकिंग वाइज 2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज अच्छा कर लेती है, प्रत्येक मैच में कम से कम 2 और कभी कभी 3 गोल भी स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस से ये टीम कहीं ना कहीं पर मैच में 1 गोल तक कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अटैक भी अच्छा है, डिफेंस भी कहीं ना कहीं सही है, और मैच को विन भी कर लेती है, तो परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा है। बात करें जो पिछला मैच लॉस एंजेलिस एफसी डल्लास के सामने 3-1 से विन करके आ रही है, और एक मैच न्यूयॉर्क के सामने टीम 2-0 से विन की है, और एक मैच सीटल साउंडर्स के सामने ही अटैकिंग ड्रॉ के लिए, और उससे मुकाबला सान जोसे के सामने टीम 3-2 से विन की है, और एक मैच ला गैलेक्सी के सामने ये टीम 3-1 से लॉस की है, और एक मैच कोलंबस के सामने टीम 2-0 से मैच को विन भी किए। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए तो लॉस का काफ़ी शानदार है, अटैक से लेकर
डिफेंस तक। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मैच पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कि कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइज पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो वैंकूवर की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउन है और लॉस एंजेलिस की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी बेहतर है। ओके, और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैंकूवर ने इस टीम से अधिकतर मैच विन किए हैं, ड्रॉ किए हैं लेकिन लॉस नहीं किया, और लॉस एंजेलिस का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने अधिकतर मैच या तो लॉस किया है या ड्रॉ किया लेकिन एक ही मैच विन किया है। लेकिन जब भी इस टीम के सामने मैच खेलती है तो प्रत्येक मैच में गोल स्कोर जरूर करती है और डिफेंसिव गोल कहीं ना कहीं कंसीड कर देती है। लेकिन रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैंकूवर का जो परफॉर्मेंस अटैक से लेकर डिफेंस तक काफ़ी शानदार है और लॉस एंजेलिस का जो परफॉर्मेंस रिसेंटली वो काफ़ी शानदार है अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों टीमें तीनों फॉर्मेट में इक्वली परफॉर्मेंस करते नजर दिख रही होंगी। तो फाइनल गाइज अब बात आती है अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में वैंकूवर आराम से इस टीम के सामने एक गोल तो स्कोर कर ही देगी। क्यों? क्योंकि जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो 90% नहीं 100% चांस रहते हैं दोनों टीमें एक दूसरे के सामने गोल स्कोर कर दें और अधिकतर मैच को वैंकूवर ही विन करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आज लॉस एंजेलिस इस मैच को विन कर सकती है, तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-2 और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं वैंकूवर के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नजर डालेंगे लॉस एंजेलिस के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं वैंकूवर के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त अगर आप बिल्कुल नए और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूं। अगर ये वीडियो भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक भी करना। और हाँ दोस्त, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की, प्लेयर वाइज की, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं वैंकूवर के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस वैंकूवर टीम दस फिलहाल टाइम पर जो हाईएस्ट गोल है लुकास कावालिनी, इस टीम की तरफ से इसने 5 गोल किए लेकिन 2 गोल इसने पेनल्टी में किए, तो इसलिए इस टीम की तरफ से कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। रियान एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता, प्लस इस टीम की तरफ से ये फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर भी। ओके, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बैरन वाइट जो कि प्रीवियस सीजन का इस टीम की तरफ से टॉप हाईएस्ट गोल टेकर था, फिलहाल के टाइम पर इसने सिर्फ 2 ही गोल निकाले, रिसेंट फॉर्म थोड़ा सा डाउन है। लेकिन रियान रपोशो ये भी अच्छा प्लेयर है, डिफेंसिव पॉइंट अच्छा निकाल लेता। बाकी यहाँ से काइसेडो भी है, प्रीवियस सीजन इसका परफॉर्मेंस अच्छा था लेकिन इस सीजन थोड़ा सा डाउन है। लेकिन डजो में प्रीवियस सीजन इस टीम की तरफ से टॉप सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर था, तो ये भी प्लेयर अच्छा था लेकिन इसको काफी कम टाइम मिल रहा खेलने के लिए, तो इसलिए इसका ज्यादा कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर अकॉर्डिंग टू रिसेंट फॉर्म और अकॉर्डिंग टू इन दोनों टीमों के जो, मतलब इस टीम के जितने प्लेयर्स जो खेल रहे हैं कंटिन्यू, तो यहां से लुकास एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, रियान एक अच्छा प्लेयर है और व्हाइट भी अच्छा प्लेयर है, तो इन तीन प्लेयर को आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइज असिस्ट मामले अगर देखा जाए तो काइसेडो जो कि 2 असिस्ट निकाल चुका है, डजो में इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, एज ए ग्रैंड लीग में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अगर खेलता भी नहीं है ना तो भी एज ए सब्स्टिट्यूट जरूर खेलेगा, तो इनको तब भी रख लेना। ओके, बाकी का आप सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं, उनके कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं लॉस एंजेलिस के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज लॉस एंजेलिस टीम तरफ जो मोस्ट हाईएस्ट गोल टेकर फिलहाल टाइम है चिको अरांगो, जो कि मैंने बोला कि प्रीवियस मैच में ही इसका सिलेक्शन काफी लेस था, लेकिन प्रीवियस सीजन का टॉप हाईएस्ट गोल टेकर था और मिड टीम का कैप्टन था। अगर आपको याद होगा तो इसी प्लेयर की वजह से हमने मतलब वन साइडेड मैच विन किया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आज भी आप टीम का कैप्टन बना सकते हो। ओके, कार्लोस वीला मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, गोल पोटेंशियल हाई है, और क्या चाहिए, तो टीम का इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके, रियान है ये भी अच्छा प्लेयर है और यहाँ से ओपोको मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन लाइनअप आने के बाद देखेंगे इसके 90 मिनट खेलते हैं, मतलब इसको 90 मिनट मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर डिफेंसिव पॉइंट दे जाता है तो ये असिस्ट प्रोवाइड कर देता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। बाकी जितने और भी प्लेयर्स उन सभी का आप सामने रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, जो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है मुझे ये यहां से जोस लगा है, रियान लगा है, कार्लोस लगा और चिको लगा है, तो इन चार प्लेयर को मैं टीम में ट्राई करके चलाऊंगा। ओके, तो बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो असिस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ से कार्लोस वीला जिसने 5 असिस्ट निकाले हैं, जोस
असिस्ट गोल दोनों में कंट्रीब्यूट है, और रोड्रिगोज 3 असिस्ट है, जेसस मोरिल्ला गोल में भी और असिस्ट में भी इसका कंट्रीब्यूट है। बाकी यहाँ से जितने प्लेयर्स रिकॉर्ड आपके सामने आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। यहाँ जो टॉप प्लेयर है उनको मैंने राइट के टिक किया है और उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो बात आती है इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन। हमने अभी के लिए इस मैच में 1-2 रखा है, और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे शमोल लीग टीम ड्रीम 11 पर, तो सीधे नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर। और हाँ दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहूँगा। ओके, तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की ड्रीम 11 की टीम पर। तो हम बात करें सबसे पहले गोलकीपर में, तो यहाँ से लॉस एंजल की तरफ से आपको गोलकीपर देखने को मिलेगा और वैनकूवर की भी तरफ से देखने को मिलेगा। दोनों टीमों का अटैक अच्छा है, डिफेंस भी कहीं ना कहीं बेहतर है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें गोलकीपर आज क्रोपेर को टीम में ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉस एंजल्स थोड़ी सी अटैकिंग बेहतर टीम है और कहीं ना कहीं इस गोलकीपर को टेस्ट हो सक मतलब कर सकते हैं। ओके, मैं इसलिए क्रोपेर को। ओके, बाकी यहाँ से डिफेंडर में बात की जाए तो मैं अपनी टीम में फर्स्ट चॉइस मानूंगा यहाँ से पलासियस, और सेकंड चॉइस इस्कोबार इवान सांचेस। इन तीन प्लेयर को मैं टीम में आपको पिक करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि इनका गोल भी अच्छा मतलब पोटेंशियल भी है डिफेंसिव पॉइंट देने का, प्लस असिस्ट भी कर लेते हैं, तो इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। और यहाँ से आप रियान को भी टीम में ट्राई मतलब रैंक को सॉरी तो यहाँ से मतलब रैंकों को नहीं, यहाँ से जैसे मोरिल्ला को टीम में ट्राई करेंगे, क्योंकि इसका गोल में भी और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूट है। लेकिन एम्फाल अगर खेलता है ना तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ खेलने का चांस डाउन है। और बाकी यहाँ जितने और भी प्लेयर्स हैं इनका खेलने का चांस मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं। ये आपको प्लेयर दिख रहा होगा काफ़ी अच्छा चमक रहा बंदा, लेकिन ये नहीं खेलेगा। ओके, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप कर, लेकिन काफ़ी बड़ी बड़ी लीग में खेल चुका बंदा, बाकी इनको ड्रॉप। ओके, बात करें यहाँ से मिडफील्ड में, तो यहाँ से मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी जोस रियान, और यहाँ से लतीफ़ ब्लेसिंग और कैलिन अकोस्टा को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता कभी भी, क्योंकि ये बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देते हैं, असिस्ट और गोल आने के चांस काफ़ी कम। ओके, तो यहाँ से रियान को ट्राई कर सकते हो दूसरे, और यहाँ से ग्रेथ बेल भैया खेलने के चांस काफ़ी कम है, लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छा है, प्रीमियर लीग में खेल चुका है, टोटनहम के साथ खेल चुका, आई थिंक रियल मैड्रिड के सामने खेल चुका, मतलब खेल चुका, तो ये प्लेयर अच्छा, लेकिन खेलने के चांस काफ़ी कम है, तो इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी यहाँ जो रियान रोकोशो भी है ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसने भी 2 गोल पेनल्टी में किए हुए हैं। ओके, तो बाकी मैं ज़्यादा फ्रेंड्स किसी को देता नहीं। बात करें यहाँ से सेंटर फॉरवर्ड, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से कार्लोस विला, और यहाँ से बैरन वाइट भी अच्छा प्लेयर, लुकास कवालिनी अच्छा है, और डजूम अच्छा है, क्योंकि ये सारे प्लेयर इस मैच में आपको खेलते मिलेंगे, लेकिन मेरी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी कार्लोस रहेगी, और यहाँ से चिकू अरांगो अगर जैसे भी खेलेगा उसको ट्राई उसी कंडीशन में करेंगे, अभी के लिए ड्रॉप कर दें, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ से वन मतलब लॉस एंजल्स की तरफ प्लेयर पिक कर लिए हैं, तो इसलिए मैं अभी के लिए कार्लोस विला और यहाँ से वाइट को पिक करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस सीजन इस टीम तरफ से फर्स्ट हाइस्ट गोल टेकर था, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप अभी के लिए नहीं करता। और बाकी यहाँ से खेलने का चांस मुझे किसी भी प्लेयर का काफ़ी कम लग रहा है, तो इनको ड्रॉप करेंगे, लेकिन मैं अपनी टीम में फर्स्ट चॉइस मान चलूँगा चिकू अरांगो अगर खेलेगा तो। ओके, लेकिन देखेंगे किस पोजिशन खेलेगा उसको गोल्डन ट्राई करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 8.5 के रेट बचे हैं, अब चाहे तो आप यहाँ से मिडफील्ड लो, चाहे यहाँ से डिफेंडर लो, आप चाहे तो यहाँ सेंटर फॉरवर्ड लो, लेकिन किसका लेना, वैनकूवर का। तो हम यहाँ से वैनकूवर के मैं डिफेंडर को अपनी टीम में प्रेफरेंस दूंगा, वो यहाँ से गोती रेज रहेगा, क्योंकि इसका डिफेंसिव नंबर अच्छा है, तो इसलिए मैं इनको टीम में ट्राई करके चलाऊँ। बात करें कैप्टनसी की, तो मैं अपनी टीम में कैप्टनसी कार्लोस विला को दूंगा, और वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो मैं अभी के लिए वाइस कैप्टनसी जोश के साथ अभी के लिए पसंद करूँगा जाना। ओके, ये मेरी टीम का प्रीव्यू है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस्ट के अनुसार टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी शायद मैं अपनी टीम में चिकू अरांगा को भी ले सकता हूँ। ओके, उसका अकॉर्डिंग जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक टॉप के कॉमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। जो आपके सामने अदर चॉइस जिनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो यहाँ से वाइट है, और यहाँ से रियान है, और यहाँ से आपके सामने जेसस मोरिल्ला डिफेंडर में से। ओके, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए।